जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। न जमाना लौटता है और न ही लोग, सिर्फ यादें पीछे रह जाती हैं। फिल्म जगत में ऐसे एक कलाकार थे जो देरी से सेट पर आते थे, पर मजाल किसी की जो उन्हें इस आदत पर डांट दे। वे चाहे कितने भी देरी से आए, कोई भी उन्हें कुछ कहता नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि क्या संजीव कुमार इतने बड़े सुपरस्टार थे? यहाँ तक राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को भी डायरेक्टर्स डांट देते थे। अरे सुपरस्टार होंगे लोगों के लिए, पर सेट का सुपरस्टार सिर्फ डायरेक्टर होता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। पर संजीव कुमार ऐसे इंसान थे जो सिर्फ एक टेक में शॉट देते थे। जी हाँ, डायरेक्टर्स को पता होता था कि अगर संजीव कुमार 2 घंटे का काम 1 घंटे में करते हैं तो उनका 1 घंटा लेट आना वाजिब है। यही नहीं, संजीव कुमार पीने के भी शौकीन थे। प्रसिद्ध एक्टर और एक जमाने के बाल कलाकार सचिन बताते हैं कि वे कभी कभी शराब पीकर भी सेट पर आते थे, पर हमेशा सिंगल टेक में शूटिंग खत्म कर देते थे। इसलिए संजीव कुमार को महान कलाकार कहते हैं। वे खुद एक्टिंग की यूनिवर्सिटी थे। भगवान ने उन्हें बेहद कम उम्र में अपने पास बुला लिया। पर उस दिन क्या हुआ जब किसी ने संजीव कुमार का पार्थिव शरीर देखा? संजीव कुमार अब इस दुनिया में नहीं है, ये सबसे पहले सचिन को पता चला। उन्होंने ही संजीव कुमार को मृत अवस्था में देखा था। उस दिन सचिन ने क्या देखा, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। उम्र के लिहाजा सचिन संजीव कुमार से छोटे थे, पर उनकी दोस्ती बड़ी पक्की थी। वे हमेशा एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई देते थे। किसी स्टूडियो में संजीव डबिंग कर रहे थे, वहां सचिन ने संजीव से कहा कि वे उनसे मिलना चाहते हैं। संजीव कुमार ने उन्हें सुबह आने को कहा, पर उस दिन सचिन किसी काम में व्यस्त थे, इसलिए उन्हें आने में देरी हो गई। 2:30 बजे के आसपास सचिन उनके घर पहुंचे। घर में एक नौकर था, उसे सचिन ने पूछा, कहाँ है संजीव भैया? नौकर बोला, नहा रहे हैं काफी समय से। सचिन अंदर आकर बैठ गए। काफी समय हुआ वे बाहर आए नहीं। उस नौकर से उन्होंने दोबारा पूछा। इस पर नौकर ने कहा कि उन्हें कल रात को उल्टियां हुई थी, इसलिए उनके सेक्रेटरी जमुना दास डॉक्टर को लाने गए हैं। सचिन सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या हुआ, कल देर रात तक काम कर रहे थे क्या? इतने में जमुना दास डॉक्टर गांधी को लेकर आए। जमुना दास से सचिन ने क्या हुआ पूछा। उन्होंने कहा कि संजीव कुमार कल रात 4 बजे आए, तब उन्हें उल्टियां भी हुई। सचिन सोचने लगे कि अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो इतनी देर तक काम करने की क्या जरूरत थी, आऊंगा तो 2-3 बातें सुना दूंगा उन्हें। अब तो कुछ ज्यादा ही समय हो गया था। हॉल में डॉक्टर, सचिन, जमुना दास और नौकर थे। सब सोच रहे थे कि संजीव बाथरूम से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, पर कोई भी बेडरूम में जाना नहीं चाहता था। इतने बड़े कलाकार को पूछे बगैर अंदर जाना गलत होगा, ऐसा डॉक्टर और सेक्रेटरी सोच रहे थे। पर सचिन को चिंता होने लगी। वे तुरंत उठे और संजीव कुमार के बेडरूम में घुस गए। बेडरूम में संजीव कुमार नहीं थे। बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। सचिन संजीव कुमार को पुकारने लगे, पर बाथरूम से पानी के अलावा कोई आवाज आ नहीं रही थी। फिर सचिन ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, फिर भी संजीव कुमार कोई जवाब दे नहीं रहे थे। अब तो सचिन की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने बाथरूम का दरवाजा धीरे से आधा खोला। पहले नजर में फर्श पर किसी के पांव देखे। दरवाजा पूरा खोला तब संजीव कुमार का मृत शरीर सचिन की नजरों के सामने था। सचिन चीखने लगे। सचिन की आवाज सुनकर हॉल में बैठे लोग अंदर आए। डॉक्टर ने संजीव कुमार के शरीर को चेक किया, तब पता चला कि वे काफी समय पहले ही गुजर चुके थे। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।